हाँ वेरी गुड, आप लोग मेमोरी बहुत तेज, वेरी गुड। अद्वैत आचार्य जी के घर पे पहुंच गए हैं, और कौन कौन और पहुंचा वहाँ? सच्ची माता को लेकर आए हैं ना, सच्ची माता की स्तुति भी किए श्री चैतन्य महाप्रभु। और उसके आगे फिर आज सच्ची माता आप कुकिंग करेंगी निमाई के लिए। संतो से चली लाई परिते रंधाना, प्रेम जोगे चिंती गौर चंद्र नारायण। कतेक प्रकारे आई करिला रंधन, नाम नहीं जानी है न रांधिला व्यंजन। आई जने प्रभुर संतोष बड़ साके, बिनसती प्रकार साक रांधी लए ते के। एक एक व्यंजन प्रकार दस बीसे, रांधी ले नयाई अति चित्र संतोषे। असे स प्रकारे तबे रंधन करिया, भोजने रस्थाने परे थुईले नरैया। सियन व्यंजन स उपस्कार करी, सियन व्यंजन स उपस्कार करी, सवार उपरे दिल तुलसी मंजरी। आप लोग नहीं गाएंगे आज? क्या हो गया? डेली इनविटेशन दूँ, इनविटेशन लेटर भेजूँ आप लोगों को? एक नहीं गाने है, कोई बात नहीं। चतुर्दी के सारी करी श्रियाना व्यंजना, मधे पाती लेना याति उत्तम आसन। आइले प्रभु करिते कि भोजना, संहति लैया सब परिषद गण। देखी प्रभु श्रीअन्ना व्यंजने उपस्कार, दर्शवतैया करिले नमस्कार। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे प्रभु को भिक्षा प्रदान करेंगे। इस हेतु अद्वैत आचार्य ने प्रभु के समीप जो जन यह सब आनंद प्रसंग पढ़ते हैं सुनते हैं उन्हें अवश्य ही कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होती है।
भाग्यवती आई प्रभु को भिक्षा प्रदान करेंगी। इस हेतु अद्वैत आचार्य ने प्रभु के समीप अनुमति ग्रहण की। प्रेम योग में गौर चंद्र नारायण का चिंतन करके संतोष के साथ आई रंधन करने को चली गई। आई ने कितने ही प्रकार की वस्तुओं का रंधन किया। रंधन मतलब कुकिंग। ऐसे ऐसे व्यंजन बनाए कि मैं तो उनका नाम भी नहीं जानता। वृंदावन दास ठाकुर जी लिख रहे हैं कि माता जी ने, सची माता जी ने ऐसे ऐसे आइटम बनाए महाप्रभु के लिए कि बोल रहे कि मैं तो उनका नाम भी नहीं जानता उन आइटम से क्या है, कितना बताऊं। आई जानती थी कि प्रभु को साग से बड़ा संतोष होता है। किसे? साग, चैतन्य महाप्रभु को साग, गौर प्रिय साग से बने। चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना है अगर कुछ कुकिंग करके तो फर्स्ट आइटम क्या है? साग। इसलिए आई ने 20 प्रकार के सागों का रंधन किया। 20 प्रकार के साग है ना, कितना? 20 आइटम्स ऑफ साग, केवल साग का 20 आइटम। पालक का भी होगा उसमें, हम लोगों को देख के तो याद है ना, तो 20 वैरायटी के साग कहाँ मिलेगा। आई ने अति संतोष के साथ 10-20 प्रकार के एक एक व्यंजन का रंधन किया। अगर राइस बनाया होगा तो भात तो जरूर बनता है, बंगाल है तो भात तो बनेगा ही, तो 20 प्रकार के भात भी बनाए होंगे, 20 प्रकार की सब्जी है, इसी तरह से मिठाई भी होगा 10-20 प्रकार का। फिर भी वेंकट प्रभु दास रहते हैं कहाँ प्रभु जी, नमे क्या नमे बहु दानी, क्या मिलेगा प्रभु जी ये सब हरे कृष्णा करके। तो प्रसन्न रहो, इतना वैरायटी मिलने वाला है, खुश रहो। एक बार आप पहुंच जाओगे ना बस, फिर तो साग में आप जाके नाक डुबा दोगे। समझ रहे हो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। इसलिए हमेशा आनंद में रहना चाहिए। बहुत जल्दी भगवान की कृपा मिलेगी। तो श्री अन्न व्यंजन सब पात्रों में सुसज्जित करके आई ने उनके ऊपर तुलसी मंजरी प्रदान की। तुलसी मंजरी क्यों? हाँ, वेरी गुड, ऑफरिंग, ऑफरिंग के लिए है ना, भोग लगाने के बिना नहीं खाना चाहिए है? भोग है ना, किसी को भोग लगाना चाहिए, बिना भोग लगाए खाते हैं तो क्या होता है? पाप लगता है। गीता का श्लोक याद है आप लोगों को? कौन सा श्लोक है? ये पसंद है। गीता का जो श्लोक है कि जो लोग अपने लिए कुकिंग करते हैं इसलिए हमें भगवान के लिए कुकिंग करना चाहिए, और फिर भगवान को भोग लगाने का और हम लोगों को प्रसाद पाने का। तो सब लोग भोग लगा के पाइए और फिर कह रहे हैं कि तुलसी मंजरी डालना, बिना तुलसी डाले भोग स्वीकार नहीं करेंगे भगवान, कितना भी आप है ना। तो कैसे भोग लगाने की विधि क्या है? सबसे पहली विधि है कि बिना प्याज लहसुन के बनाना है ना, शाकाहारी भोजन बिना प्याज लहसुन के। दूसरा विधि है कि फिर उसको तुलसी दल डालकर भगवान के एक अच्छी सी थाली में, अलग थाली होनी चाहिए, हमारे खाने वाली थाली अलग, भगवान के लिए अलग थाली होनी चाहिए है ना, तो उस थाली में रख देने का। फिर रख के उसको भगवान के सामने रख के और 3 मंत्र पढ़ने का, कितना?
तीन मंत्र तीन बार, तीन तीन बार तीन मंत्र। तो पहला मंत्र क्या है? नमः प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थाय। दिस इज फर्स्ट मंत्र, तीन बार बोलना है। ये दूसरा मंत्र क्या है? गौरांग महाप्रभु का प्रणाम मंत्र, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते श्रीनिवास। फिर तीसरा मंत्र भगवान कृष्ण, नमो ब्रह्मण्य देवाय गोविंदाय, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये तीन बार हैं। उसके बाद तीन बार करके फिर हरे कृष्ण महामंत्र पांच बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उसके बाद घंटी बजाकर भगवान को ढक देना चाहिए, ऐसे पर्दा लगा देना चाहिए, यानी फोटो के सामने रखना चाहिए वहाँ पर, और पर्दा लगा के, यानी कि आप खा रहे भगवान नहीं देखेंगे, फिर खाएंगे अगर आप देखेंगे तो बैठ के, है ना, एकांत में खाते हैं भगवान ना? फिर उसको तब तक जब तक भगवान खाते हैं कम से कम एक माला करना चाहिए, कितना? एक माला, यानी कि डाले और हटा लिए, फिर तो भगवान भी आपको डाल के हटा लेंगे आपके से। तो कम से कम सात आठ मिनट टाइम देना चाहिए भगवान को, थोड़ा देखेंगे कितना प्रेम से आपने बनाया है, तो भगवान उसको पाएंगे फिर ना। भगवान कैसे पाते हैं? आँखों से पाते हैं, आँखों से और कानों से, कान से मंत्र सुनकर, जो मंत्र आपने बोला, और आँखों से देख लेते हैं। अच्छा, वेरी गुड, देख कर ही पा लिए। अंगानि यस्य सकल इंद्रिय वृत्ति मानती पसंती पांति कल्यंती चिरम जगंती। तो इस प्रकार से तो भगवान फिर ऐसे ताली बजाकर कर्टन खोल के फिर जाके घंटी बजाकर भगवान से आज्ञा लेकर प्लेट उठाना चाहिए, है ना, और फिर उसको उस बर्तन को उस प्रसाद जो प्लेट पे बचा हुआ उसको बाकी प्रसाद में मिला देना चाहिए, और फिर उसको धो देना चाहिए, प्लेट को बढ़िया से धो के फिर भगवान का प्लेट भगवान के पास रख देना चाहिए, और तब आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। ये विधि है इसका, भोग लगाने की विधि मैंने बताया है ना। माता सच्ची माता भोग लगाएंगी, अरे चारों ओर श्री अन्न व्यंजनों को सजा कर बीच में अति उत्तम आसन बिछाया, सभी पार्षद वर्ग को साथ लेकर महाप्रभु भोजन करने को आए। आगे श्री अन्न व्यंजनों को सजा हुआ देखकर प्रभु ने दंडवत प्रणति पूर्वक नमस्कार निवेदन किया। किसको नमस्कार किया, दंडवत किया? हैं, किसको प्रणाम किया? हैं, प्रसाद को प्रणाम किया। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे, श्रद्धा विश्वास होने की वजह है, ये बहुत विश्वास श्रद्धा है, कई जन्मों के कर्मों के सत्कर्मों के बाद प्रसाद मिलता है। तो प्रणाम कर, साक्षात ईश्वर स्वरूप है प्रसाद। इस फिर महाप्रभु ने प्रणाम किया, नमस्कार निवेदन किया, फिर प्रभु बोले, इस अन्न का भोजन तो दूर, इस अन्न को देखने से भौतिक बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। देखने से ही छुटकारा, सोचिए हम लोग इतना पाते हैं फिर भी लगता है कि नहीं मिल रहा है। श्री सची देवी, सची माता इस प्रकार से, रंधन की महिमा के बारे में क्या कहना, जो कहा जाएगा कम है,
इस अन्न की गंध से भी कृष्ण में भक्ति होती है। प्रसाद की जो भोग लगाने के बाद उसका जो सुगंध है, उसे भी कृष्ण भक्ति मिल जाएगा। इस अन्न का अप्राकृत सुगंध जिनकी नासा में प्रविष्ट होगा, वे ही कृष्ण सेवा के प्रति उन्मुख हो जाएंगे। तभी तो इंस्पिरेशन मिलता है भक्तों को। गुद गुद के सेवा कैसे करते हैं? रंधन की महिमा के बारे में क्या कहना। इस अन्न की गंध से भी कृष्ण में भक्ति होती है। समझ गया मैं, महाप्रभु बोल रहे हैं, समझ गया कृष्ण स्वयं पूरे परिवार के साथ इस अन्न को स्वीकारा है। सब परिवार मतलब श्री कृष्ण, राधा रानी, गोपियाँ, नंद बाबा, सब लोग पा चुके हैं। इतना कहकर प्रभु श्री गौरांग नरहरि अन्न की प्रदक्षिणा करके भोजन के लिए बैठे। पहले प्रणाम किए, फिर क्या किए? प्रदक्षिणा किए। किसका किया कभी प्रदक्षिणा आपने? देखिए आप बोलते हो ब्रह्म जी मन मेरा शुद्ध नहीं हो रहा है, कुछ करेंगे तब तो शुद्ध होगा। हम करते ही महाप्रभु देखिए चीज़ें वही है, देखने के तरीका अलग अलग। प्रभु की आज्ञा से सभी पार्षद वर्ग भोजन देखने के लिए चारों ओर बैठ गए। भोजन देखने के लिए बैठ गए चारों ओर, कैसे भोजन कर रहे हैं महाप्रभु। वैकुंठ के अधिपति भोजन करने लगे। भाग्यवती आई, नयन भरकर देखने लगी। महा आनंद एवं परितृप्ति के साथ प्रभु श्रीनाथ सभी व्यंजनों का भोजन करते रहे। श्रीनाथ नाम क्यों आ गया फिर? श्रीनाथ क्यों नाम यहाँ ना? क्यों बताइए? लक्ष्मी जी के पति किसके? तो श्रीनाथ जी फेमस है खाने के लिए, इसलिए अन्नकूट किसको चढ़ाया जाता है? श्रीनाथ जी को ही अन्नकूट अन्योर में लगा था ना। खाने पीने के जब टाइम आता है तो नाम बदल जाता है। लड़ाई झगड़ा का टाइम आएगा तो नाम बदल जाएगा नरसिंहा। समझी बात को? नाचने का टाइम आएगा तो नाम बदल जाएगा गौरांग। प्रेम में रोने के लिए गौरांग। सबके लिए अलग अलग नाम, अलग अलग रूप है ना। असंत बनना है तो फिर लाल कपड़ा, उसी अनुसार रूप धारण करते हैं भगवान। जिस प्रकार की लीला, जिस प्रकार का, उस प्रकार का रूप नाम है ना। कहते हैं कि महा आनंद एवं परितृप्ति के साथ प्रभु श्रीनाथ सभी व्यंजन का भोजन करते रहे। कैसे भोजन किए? महा आनंद। भोजन तो एक है जिसमें पाने के बाद महा आनंद आता है, बाकी सब में आनंद आता है। भोजन के बाद क्या होता है? महा आनंद। सबसे अधिक भाग्यवंत था श्री साक व्यंजन। क्यों? हाँ, जिसको प्रभु बार बार ग्रहण कर रहे थे।
कोई व्यक्ति बार बार कोई आइटम ले रहा है मतलब क्या है? तो पूछना नहीं चाहिए आपको क्या पसंद है, पूछने की जरूरत नहीं। आप ध्यान से देखिए, किसी को बोले क्या पसंद है तो बोलेगा कुछ भी दे दीजिए, ठीक ही है, सब ठीक है। तो कैसे पता चलेगा? प्रभु जी कुछ बताते ही नहीं हैं, वेंकट मूर्ति प्रभु बताते ही नहीं कुछ। तो आप कुछ आइटम बना के इनको खिलाइए, फिर देखिए कौन सा आइटम ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब ये पसंद है ना। तो इसी तरह से श्री साक व्यंजन जो है महाप्रभु बार बार ले रहे थे। साक के प्रति प्रभु का बड़ा आदर देखकर प्रभु के जितने अनुचर थे सब हंसने लगे। साग की महिमा सबको बताकर प्रभु थोड़ा हंसते हुए भोजन करने लगे। प्रभु कहने लगे, यह जो अच्युता नामक साग है इसके भोजन से कृष्ण में अनुराग होता है। अच्युता एक साग का नाम है, विशेष साग है अच्युता, नाम ही अच्युत। उस अच्युत साग को खाएंगे तो कृष्ण में अनुराग होगा। पटल वास्तुक और काल साग के भोजन से जन्म जन्म में वैष्णवों का संग विहार होता है। पटल साग, वास्तुक साग और काल साग, सालिंचा और हेलेंचा साग भक्षण करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और कृष्ण भक्ति मिलती है। इसमें से किसी का नाम हमने नहीं सुना है आज तक, न सालिंचा न हेलेंचा न पटल न वास्तुक न काल, अच्युत तो बिल्कुल नहीं सुना है। हैं ठीक है, समझ गया। इस प्रकार से साकों की महिमा बात बता बता कर पुलक से पुण्य प्रभु भोजन करने लगे। उस दिन के भोजन में जो आनंद हुआ उसे केवल प्रभु सहस्त्रवदन ही जानते हैं। आदिदेव महीधर अनंत हजार जीवाओं से निरंतर उस यश का कीर्तन किया करते रहते हैं। तो भगवान के धाम में इतनी वैरायटी का भोजन बनता है, समझ जाइए आप लोटपोट हो जाएंगे, भोजन ही देख के लोटपोट हो जाएंगे ना? वही प्रभु कलयुग में अवधूत राय श्री नित्यानंद के रूप में आविर्भूत हुए हैं। उनकी आज्ञा से मैं केवल सूत्र लिख रहा हूँ। वेद व्यास आदि जितने भी मुनिगण हैं वे सब इन सब यशों का वर्णन करते रहते हैं। यदि जीव इन सब यशों का श्रवण और पठन करता है तो जीवों को अविद्या बंधन का ध्वंस हो जाता है। इस प्रकार आनंद से महाप्रभु ने भोजन किया। भोजन के पश्चात आचमन करके प्रभु जाकर बैठ गए। आचमन करके ईश्वर बैठे ही थे कि भक्तगण अवशेष लूटने लगे। समझे क्या है? क्या लूटने लगे? हाँ, महापुरुष। कोई कहने लगा, ब्राह्मणों का इसमें क्या अधिकार है, मैं शूद्र हूँ, मैं उच्छिष्ट के योग्य हूँ। मतलब ब्राह्मण लोग, आप लोग हट जाइए। किसी और ने कहा, अरे मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ। कोई चुपके से अवशेष लेकर भागने लगा। किसी ने कहा, शूद्र के लिए उच्छिष्ट योग्य नहीं है, है या नहीं है इस पर विचार करके मुझे देखो, शास्त्र की बात मानो। कोई बोला, मुझे अवशेष नहीं चाहिए, मैं केवल पत्तल ही ले जाना चाहता हूँ। किसी ने कहा, मैं हर समय पत्तल फेंकता हूँ, इस समय तुम सब जो ले जा रहे हो वह केवल तुम सबकी ठकुराई है। इस प्रकार के कौतुक में चपल भक्तगण ईश्वर के अधरामृत प्रसाद का भोजन करने लगे। आई का रंधन ईश्वर का अवशेष, ऐसा कौन है जिसको इसमें विशेष लोभ नहीं हो रहा था। परम आनंद के साथ भोजन करके सभी भक्तगण प्रभु के पास चले गए। प्रभु श्री गौर सुंदर बैठे हुए थे। सभी अनुचर वर्ग चारों ओर बैठ गए। मुरारी गुप्त को सामने देखकर प्रभु ने थोड़ा हंसकर उनसे कुछ कहा। तो सामने कौन बैठे थे? मुरारी गुप्त जी। मुरारी गुप्त जी को देखे कि सामने बैठे हैं, तो उनको देखकर हंसे और हंस के कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे जानते?
पत्ता है, पत्ते का जूस है, पत्ते का जूस बहुत फायदेमंद है हेल्थ के लिए। किसी भी चीज़ का पत्ता जिसका फल हो, जिस वृक्ष का फल होता है उसी वृक्ष का पत्ता भी पीने से ना उससे हेल्थ काफ़ी फायदा होता है। नेचुरोपैथी में, नेचुरोपैथी पत्ते का तो कोई चार्ज लगता नहीं, फ्री में मिलता है, बट इक्वल बेनिफिट फल से में जो तत्व तो होते वही पत्ते में भी होते। टेस्ट नहीं होता होगा बट दिमाग, इसलिए ऋषि लोग पत्ते खा के रहते थे ना, ध्रुव महाराज पत्ते खा के किए थे तपस्या, नहीं करती थे क्योंकि पत्ते का पैसा नहीं लगेगा। एक बार लेकिन पत्ता खाना शुरू कर देंगे लोग तो फिर लगेगा पैसे, लगना शुरू हो जाएगा। फिर पत्ता भी मार्केट में बिकेगा, एक पत्ता 5 रुपया। करेक्ट। प्रभु श्री गौर सुंदर बैठे हुए थे तो मुरारी गुप्त को सामने देखकर प्रभु ने थोड़ा हंसकर उनसे कहा, मुरारी गुप्त जी से क्या करें, करें मैंने सुना है कि तुमने राघवेंद्र का वर्णन किया है, तुमने 8 श्लोकों की रचना की है। कितने श्लोक? 8 श्लोक तुमने रचना किए है क्या राघवेंद्र की प्रसन्नता के लिए? थोड़ा पढ़ो उसको, सुनाओ मेरे को, मुझे सुनने की इच्छा है। प्रभु की आज्ञा सुनकर मुरारी के उद्भाव आविष्ट होकर श्लोक पढ़ने लगे। अग्रे धनुर्धर बरह कनको ज्वलांगो ज्येष्ठानुसेवन रतो बरभूषणाढ्य से साख्य धाम बर लक्ष्मण नाम जस्य रामं जगत्रय गुरुं सततं भजामि। तो भगवान श्री राम को प्रणाम करते समय आप लोग ये श्लोक गा सकते हैं। हमारे मंदिर में सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के विग्रह उनके सामने मुरारी गुप्त जी करते, ये गौड़ीय संप्रदाय का विशेष श्लोक है, मुरारी गुप्त जी के साथ लिखा हुआ है ना। रामं जगत्रय गुरुं सततं भजामि हत्वा खर त्रिशिरसौ सगणौकबन्धं श्रीदण्डकाननम् अदूषणमेव कृत्वा सुग्रीव मैत्रम अकरोत् विनिहत्य शत्रुं रामं जगत्रय गुरुं सततं भजामि। तो ये 8 श्लोक कितने? 8 श्लोक। इसका अर्थ बता दूं, जिनके सम्मुख भाग में धनुर्धर श्रेष्ठ तप्त कांचन कांति ज्येष्ठ सेवा निरत उत्तम भूषण जाली शेष रूपी श्री लक्ष्मण वर्तमान हैं, उन त्रिज जगत गुरु श्री रामचंद्र जी की मैं निरंतर सेवा करता हूँ, जिन्होंने खर त्रिशिरा एवं कबंध का सपरिवार विनाश करके तथा दंडक वन को दूषण नामक राक्षस रहित करके बलि का वध एवं सुग्रीव के साथ मित्रता की थी, उन त्रिजगत गुरु श्री रामचंद्र जी की मैं निरंतर सेवा करता हूँ। इस प्रकार मुरारी ने 8 श्लोक पढ़े।
प्रभु आज्ञा फिर प्रभु की आज्ञा से उनकी व्याख्या करने लगे। क्या करने लगे? व्याख्या। दुर्वा दल श्यामल कोदंड दीक्षा गुरु भगवान राम भक्तगणों के प्रति वांछातीत कल्पतरु स्वरूप हैं। रत्नमय राज सिंहासन पर हंसमुख श्री जानकी देवी बाम पार्श्व में भगवान के साथ बैठी हुई हैं। कनक की कांति वाले कनक भूषण महान धनुर्धारी अनुज लक्ष्मण सम्मुख में वर्तमान हैं। श्री अनंत धाम स्वयं अनुज बनकर तथा श्री लक्ष्मण नाम से परिचित होकर ज्येष्ठ की सेवा में नियुक्त हैं। मैं जन्म जन्म में सर्व महागुरु श्री रघुनंदन के चरणों का भजन करता हूँ। भरत और शत्रुघ्न दोनों चामर व्यंजन कर रहे हैं। सम्मुख में कपिंद्रगण पुण्य कृति गा रहे हैं। जिन प्रभु ने गोह चंडाल को मित बनाया, गोह चंडाल मतलब निषादराज, ऐसे उन श्री राम का चरित्र में प्रत्येक जन्म में गाता रहूं। गुरु पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करके एवं अपना राजपाट छोड़कर जिन प्रभु ने सुर कार्य करने के लिए वन में भ्रमण किया, जिन प्रभु ने बाली को मारकर सुग्रीव को करुणापूर्वक मित्र पद प्रदान करके राज्य का भार दे दिया, जिन प्रभु ने अहिल्या का विमोचन किया, मैं उन त्रिभुवन गुरु के चरणों का भजन करता हूँ। तो वृंदावन दास ठाकुर जी ने अहिल्या उद्धार का वर्णन किया है। अब वाल्मीकि रामायण में भी अहिल्या उद्धार है। जिन्होंने दुस्तर सिंधु तरंगों की थोड़ी सी लीला करके कपि गणों के द्वारा लक्ष्मण की सहायता से बांध बांध दिया, इंद्र आदि के अजित रावण वंश का जिन्होंने संहार किया, मैं उन प्रभु के चरणों का भजन करता हूँ। जिनकी कृपा से धर्मपरायण विभीषण इच्छा न रहने पर भी लंकेश्वर बने, यवन भी जिनकी कीर्ति श्रद्धापूर्वक सुनते हैं, मैं उन राघवेंद्र प्रभु के चरणों का भजन करता हूँ। दुष्टों के विनाश के लिए जो निरंतर धनुष धारण किए रहते हैं, जो पुत्र के समान प्रजाओं का पालन करने में तत्पर हैं, जिनकी कृपा से सब अयोध्या निवासी सशरीर श्री वैकुंठवासी हो गए, जिनके नाम रस नाम के आनंद में महेश्वर दिगंबर हो रहे हैं, रमा निरंतर जिनके पाद पद्म की सेवा करती रहती हैं, वेद जिनका परम ब्रह्म जगन्नाथ के रूप में कीर्तन करता है, मैं उन सर्व गुरु श्री राघवेंद्र की चरणों का भजन करता हूँ। तो कौन बोल रहे हैं ये? मुरारी। इस प्रकार से स्वयं के द्वारा रचित श्री राम महिमा अमृत से समन्वित 8 श्लोकों का मुरारी ने पाठ किया। कितना? 8 श्लोक दिखा था मुरारी गुप्ता ने, उसका पाठ किया। सुनकर संतुष्ट हुए श्री गौर सुंदर ने उनके सिर के ऊपर अपने चरण कमल रख दिए। किसके सिर पर? हाँ, और कहा, सुनो गुप्त, मेरी कृपा से तुम जन्म जन्म में निर्विरोध रामदास बने रहो। रामदास राम भक्ति का वरदान दे दिया। किसको? मुरारी गुप्त को। चैतन्य महाप्रभु आपको राम भक्ति भी दे सकते हैं, इससे पता चलता है ना। एक क्षण के लिए भी जो तुम्हारा आश्रय लेगा उसे भी श्री राम पदाम्बुज की प्राप्ति निश्चय ही होगी। मुरारी गुप्त का अगर आप एक क्षण के लिए भी आश्रय ले लेंगे राम जी के चरण, मतलब गौरांग महाप्रभु श्री राम भक्ति भी प्रदान किए हैं मुरारी गुप्त को। तो आप कोई अगर राम भक्ति करना चाहता है तो अच्छी बात कर सकते हैं, महाप्रभु दे देंगे आप, लेकिन उसके लिए अलग से किसी संप्रदाय में जाने की जरूरत नहीं है। मुरारी गुप्त के लिए चैतन्य का वर सुनकर सभी भक्तगण महान जय जय ध्वनि करने लगे। इस प्रकार से गौ सिंह कौतुक के साथ विहार कर रहे थे, चारों ओर चरण कमलों के सब भृंग शोभा पा रहे थे। उसी समय एक कुष्ठ रोगी आर्तनाद के साथ दंडवत होकर गिर पड़े। कौन? कुष्ठ रोगी। कहाँ की लीला चल रही है?
हाँ शांतिपुर है ना। तभी एक कुष्ठ रोगी वहाँ पे आए और रोते रोते गिर पड़े चरणों में। दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर महान आरती के साथ रोने लगे। हे कृपामय, आप संसार उद्धार हेतु पृथ्वी पर उदित हुए हैं। दूसरों का दुख देखकर आप स्वभाववश करुणा का प्रकाशन करते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं कुष्ठ रोग से पीड़ित हूँ, जलन से मैं मर रहा हूँ, कृपया आप बताइए मेरा उससे कैसे उद्धार होगा। कुष्ठ रोग, बोले कुष्ठ रोग हो गया है ना, तो मेरा उद्धार कैसे होगा। कुष्ठ रोगी के वचन सुनकर क्रोधित महाप्रभु तर्जन पूर्वक कहने लगे, सामने से दूर हो जाओ महापापी, तुझे देखने से भी लोगों में पाप का जन्म होता है। यदि परम धार्मिक भी तेरा मुंह देखता है तो उसी दिन उसे अवश्य दुख मिलता है। तू वैष्णव निंदक पापी दुराचारी है। क्या बोले? कुष्ठ रोग जिसको होता है, मतलब क्या क्या है, वैष्णव की निंदा किया इस जन्म में या पिछले जन्म में, इसका रिएक्शन मिलता है कुष्ठ रोग, समझे। तो कुछ तो आपको नहीं लगता कि गुस्सा क्यों कर रहे हैं, इतना बेचारे को दया कर देना चाहिए महाप्रभु को, है ना। लेकिन महाप्रभु बोले भाग जाए यहाँ से जल्दी ना पापी, किसी को पता नहीं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड अभी तक बताया, आप बताएंगे बैकग्राउंड ना। मेरे को ऐसा लगा, अरे ऐसा मुझे लगा महाप्रभु तुरंत टच करके उसको ठीक कर देंगे। मेरा आश्चर्य हुआ ये सुन के, कैसे महाप्रभु बोल रहे हैं। अब महाप्रभु बोल रहे थे तो कुछ सोच के बोल रहे हैं, आगे क्लियर करेंगे ना। क्या देखिए, ध्यान सुनिएगा, है ना। कहते कि तू वैष्णव निंदक पापी दुराचारी है। क्या? वैष्णव निंदक। तेरे लिए आगे इससे भी अधिक और अनेक दुख हैं। बोले तो बहुत कम है, और भी मिलने वाला है तुमको। यह जलन सही सह नहीं कर पा रहे हो दुष्टमती, तो कुंभी पाक में कैसे रहोगे। ये तो कुछ भी नहीं, कुंभी पाक नरक में जाओगे तो पाक होगा तुम्हारा, पकाया जाएगा तुमको। कहते हैं महाप्रभु, जिन वैष्णवों के नाम से संसार पवित्र होता है, ब्रह्मा आदि जिन वैष्णवों के चरित्र का कीर्तन करते हैं, जिन वैष्णवों का भजन करने से अचिंत्य कृष्ण की प्राप्ति होती है, वैष्णव महिमा है, याद रखना चाहिए, उन वैष्णवों के पूजन से बढ़कर और कुछ नहीं है। भागवत कहती है, शेष रमा आज भाव और निज देश से भी वैष्णव कृपा के प्रिय हैं। हे उद्धव, तुम भक्त मेरे, अर्थात मेरे भक्त मेरे जिस प्रकार प्रियतम हैं, ब्रह्मा पुत्र होकर भी, शंकर स्वरूपभूत होकर भी, संकर्षण भाई होकर भी एवं लक्ष्मी भार्या होते हुए भी उस प्रकार प्रियतम नहीं है, अधिक क्या कहूँ। मेरा सेव्य भी उस प्रकार प्रियतम नहीं है। भगवान बोल रहे हैं उद्धव जी को, है ना, कि जितना प्रिय मुझे मेरे भक्त हैं, उतना प्रिय मुझे लक्ष्मी जी भी नहीं है, संकर्षण भी नहीं है, उद्धव तुम भी नहीं हो। जितना प्रिय कौन है? मेरे भक्त हैं। जो व्यक्ति उन वैष्णव, ऐसे वैष्णवों की निंदा करता है, वह जन्म जन्म में जीवन मरण के दुखों को झेलता रहता है। जो जो पापी दुराचारी वैष्णवों की निंदा करता है, उसकी विद्या कुल और तपस्या सब कुछ निष्फल हो जाता है। कितना सीरियस है कि नहीं, सीरियस है ना, सब कुछ निष्फल हो जाएगा। जो पापिष्ठ वैष्णवों की निंदा करता है, कृष्ण उसकी पूजा भी ग्रहण नहीं करते हैं। जिन वैष्णवों के नृत्य से पृथ्वी धन्य हो जाती है, जिनके देखने मात्र से दसों दिशाएं पाप रहित हो जाती हैं, जिन वैष्णवों के द्वारा बाहुओं को ऊपर उठाकर नृत्य करने से स्वर्ग के भी सभी विघ्न अच्छी तरह से दूर हो जाते हैं। अगर ऐसा हाथ उठाकर कीर्तन करेंगे तो हाथ ऊपर ऊपर की तरफ दिखाए तो मतलब ऊपर स्वर्ग भी पवित्र हो जाए कीर्तन करते समय से। इसलिए भक्त लोगों को थोड़ा दया करना चाहिए स्वर्ग पे, ऐसे कीर्तन कर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, देवता लोग आपको हेल्प करेंगे। कहते हे पापी, तूने श्रीवास पंडित जैसे महाभागवत परम वैष्णव के चरित्र की निंदा की है। किसके प्रति अपराध किया था इसने? श्रीवास ठाकुर के प्रति, है ना।
अतः तेरे लिए कुष्ठ की जलन कुछ भी नहीं है। तेरे लिए मूल दंड देने वाले तो आगे धर्मराज हैं। बोले ये तो कुछ नहीं, ये तो टोकन एडवांस मिला अभी, मेन तो यमराज देंगे तेरे को, जा वहाँ जाना है तुझे, इसलिए तू मेरे देखने योग्य नहीं है, मैं तेरा उद्धार नहीं कर सकता। तो ये बन कह रहे हैं कि मैं तेरा उद्धार नहीं कर, कौन बोल रहे हैं, महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं तेरा उद्धार नहीं कर सकता, कभी भी किसी के भी दर्शन योग्य नहीं हो सकता है ना। अतः महाप्रभु बोलते हैं वे कुष्ठ रोगी प्रभु का उत्तर सुनकर दांतों में तिनका लेकर दीनतापूर्वक कहने लगे, अपना खाकर अपने खाने पीने में मत रहकर मैं कुछ नहीं जान पाया। बोला कि मैं खाने पीने में ही बिजी रह गया, मैं कुछ समझ नहीं पाया। कौन बोला? कुष्ठ रोगी बोला। और प्रमत्त होकर मैंने वैष्णवों की निंदा की है, अतः इसका उचित दंड मुझे मिल गया। आप ईश्वर हैं, अब कृपा करके मेरे हित के बारे में सोचिए। दंड तो आपने दे दिया, अब थोड़ा मेरा हित के बारे में सोचिए हे प्रभु। बड़ी विनम्रता से बोला है ना। दुखी का उद्धार करना साधुओं का स्वाभाविक धर्म है। कृत अपराधी पर भी साधु कृपा करते हैं, इस कारण मैं आपके शरण में आया हुआ हूँ। आप ही ठुकरा देंगे तो मेरा उद्धार कौन करेगा? इसका जो भी प्रायश्चित है वह सब आप जानते हैं, आप सबके पिता हैं, कृपया मुझे प्रायश्चित बताइए। वैष्णव जनों की मैंने जो निंदा की है उसकी उचित सजा मुझे मिल चुकी है। कुष्ठ रोगी ने कहा, मैंने बिना समझे उन्मत्त होकर वैष्णवों की निंदा की है, मेरे द्वारा कृत अपराध के लिए जो शास्ति विहित है उसे मैं भोग चुका हूँ। मेरे अपराध के प्रायश्चित के बारे में केवल आप ही जानते हैं। इसके उत्तर में प्रभु ने कहा, यह थोड़ी सी सजा पहले मिली है, परंतु वैष्णव निंदा को यम के द्वारा अशेष यातनाएं देना अभी बाकी है। वैष्णव निंदा करेगा उसको कौन सजा देंगे? यम भैंसे वाले। मेरे अपराध के प्रायश्चित के बारे में केवल आप ही जानते हैं। यम यातनाओं की संख्या 84,000 श्रेणी की है। यमराज जो यातना देते हैं पनिशमेंट, उसकी वैरायटी कितनी है? 84,000 जो नहीं है 84,000 पनिशमेंट। जो जिनके प्रति अपराध करता है वे उसे क्षमा कर दें तो उस अपराध का प्रशमन हो जाता है। प्रशमन कैसे होता है? अपराध नलीफाई कैसे होता है? जिसके प्रति किए हैं अगर वही क्षमा कर देता है तब। जिस प्रकार कांटा चुभने से दूसरे कांटे से उसे बाहर निकालना पड़ता है, उसी प्रकार कांटा अगर चुभ जाए तो कैसे निकलेगा? तलवार से थोड़े निकालेंगे, कांटा से ही निकालना पड़ेगा। लाइक दैट। तो अभी हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। अविनाश माधवपुर ब्रेक में एडवर्टाइजमेंट ब्रेक देंगे, ठीक है? एडवर्टाइजमेंट ब्रेक तो हमारा एडवर्टाइजमेंट तो सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा एडवर्टाइज, ये एडवर्टाइजमेंट देखा नहीं जाता, सुना जाता है ना? हरे कृष्ण, हरे हरे राम, हरे राम।
चैतन्य लीला में वैष्णवों की निंदा का बहुत सीवियर डेंजर बताया गया है ना। तो ये बता रहे हैं कि प्रमत्त होकर मैंने वैष्णवों की निंदा की है, वो जो व्यक्ति आए थे बहुत पछता रहे थे ना, बहुत पछता रहे थे, बोले कि हे प्रभु है ना, प्रमत्त होकर मैंने वैष्णवों की निंदा की है, अतः इसका उचित दंड मुझे मिल गया। आप ईश्वर हैं, अब कृपया मेरे हित के बारे में सोचिए। दुखी का उद्धार करना साधुओं का स्वाभाविक धर्म है, कृत अपराधी पर भी साधु कृपा करते हैं, इस कारण मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप वहीं ठुकरा देंगे तो मेरा उद्धार कौन करेगा? जिसका जो भी प्रायश्चित है वह सब आप जानते हैं, आप सबके पिता हैं, कृपया मुझे प्रायश्चित बताइए। वैष्णव जनों की जो मैंने जो निंदा की है उसकी उचित सजा मुझे मिल चुकी है। इसलिए वैष्णव निंदा जो है वो उससे बहुत सावधान रहती है ना। प्रभु ने कहा, जो वैष्णवों की निंदा करता है उसके भाग्य में कुष्ठ रोग की लिखाई कौन सी बड़ी सजा है? इस अभी तो मामूली सा दंड मिला है, आगे और कितनी ही यम यातनाएं हैं। ये बोले कुष्ठ रोग तो थोड़ा अभी पूरा नहीं है, ये एडवांस का है, एडवांस पेमेंट है, ये मेन सैलरी तो बाकी है अभी, जो कुंभी पाक में नरक में मिलेगा है, अभी तो मामूली सा दंड मिला है, आगे और कितनी ही यम यातनाएं होंगी। वैष्णव निंदक 84,000 यम यातनाएं पुनः पुनः प्रत्यक्ष रूप से भुगते रहते हैं। चलो कुष्ठ रोगी, तुम शीघ्र श्रीवास के निकट जाओ और जाकर उनके चरणों में गिर पड़ो। किसके निकट जाओ? श्रीवास पंडित, उनके चरणों में। तुमने उनके निकट अपराध किया है,
उनके कृपा करने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यही एकमात्र, क्या केवल सॉरी नहीं बोलना है, क्यों क्या करना है, चरण में जाके और जेन्युइन हृदय से, केवल नाटक नहीं, जेन्युइन हृदय से। हाँ, तुमने उनके निकट अपराध किया है, उनके कृपा करने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जिस दिशा में कांटा चुभता है उसी दिशा से निकलता भी है। पांव में कांटा चुभने से क्या कंधे से निकलता है, हैं? पांव में अगर कांटा चुभेगा तो कंधे से निकालेंगे, कहाँ निकालेंगे, पांव से ही। उसी दिशा से निकलता भी है। पांव में कांटा चुभने से क्या कंधे से निकलता है, यही तो तेरे उद्धार का उपाय है। और यही मेरा कहना है कि श्रीवास पंडित के क्षमा कर देने से निश्चित ही दुख दूर हो जाएगा। वे महाशुद्ध बुद्धि संपन्न हैं, उनके निकट जाने से वे तेरा सब कुछ अपराध क्षमा कर देंगे और आसानी से तेरा उद्धार हो जाएगा। प्रभु के अति सुसत्य वचन सुनकर भक्तगण महान जय ध्वनि करने लगे। क्या करने लगे, जय ध्वनि। वह कुष्ठ रोगी प्रभु के वचन सुनकर दंडोत प्रणति निवेदन पूर्वक उसी क्षण चल दिए। वह कुष्ठ रोगी श्रीवास की कृपा प्राप्त करके मुक्त हो गया, उसका सभी अपराध विनष्ट हो गया। वैष्णव निंदा से सभी प्रकार का अनर्थ होता है, श्री वैकुंठ के अधिपति ने स्वयं यही कहा है। फिर भी जो वैष्णवों की निंदा करता है श्री चैतन्य नारायण उसे दंड प्रदान करते हैं। वैष्णवों के बीच आपस में जो गाली गलौज दिखाई देती है वह परमार्थिक नहीं है, वास्तविक नहीं है, इसमें कौतुक की कृष्ण का हाथ होता है। वैष्णव के बीच में अगर कोई झगड़ा हो गया गाली गलौज तो किसका हाथ होता है, कृष्ण का हाथ होता है, तो उसको उतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। नॉर्मल लोगों को, आपको जो झगड़ा करें उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो कहते हैं कि सत्यभामा और रुक्मिणी के बीच में गाली गलौज होने पर भी वे दोनों जैसे परमार्थ एक हैं, देखने में भला ही वे भिन्न प्रतीत हों। इस प्रकार से वैष्णव में भिन्नता नहीं है, अलग भाव देकर चैतन्य गोसाई कौतुक रचाते हैं। ऐसे में जो एक वैष्णव का पक्ष लेकर दूसरे वैष्णव की निंदा करता है वह विनाश को प्राप्त होता है। मूढ़ व्यक्ति वैष्णव गणों का के बीच में परस्पर झगड़ा को देखकर उसे अवैष्णव के कलह की भांति समझते हैं, परंतु वह वैसे नहीं है। इसमें कृष्ण प्रीति संवर्धित होती है, दोनों झगड़ा करते भगवान को आनंद आता है। रुक्मिणी एवं सत्यभामा आदि प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे की निंदा करके जो कृष्ण प्रीति संग्रहित करती हैं उस कलह एवं प्रतिस्पर्धा में कृष्ण प्रेम का उदय होता है। अतः वैष्णव में कलह एवं मतभेद उत्पन्न करवाकर श्री चैतन्य देव ने जगत में विवदमान विशेष समूह के सिद्धांत की स्थापना की है। केवल एक हाथ से ईश्वर की सेवा करके दूसरे हाथ से उन्हें दुख देने से उसका क्या कुशल होगा। जैसे मैं मान लीजिए कि मैं ना वेंकट मूर्ति प्रभु जो है इनके पैर में दर्द है ना, ये सिर में दर्द है, तो एक हाथ से सिर दबा रहा हूँ और दूसरे हाथ से हथौड़े से पैर पे वार कर रहा हूँ, तो आप खुश होंगे मेरे सिर दबाने से, तो आपको क्या करेंगे, गाली देंगे ना, क्या कर रहे हैं आप ये। तो मैं बोलूँगा मैं प्रभु आपका सिर दबा रहा हूँ, थोड़ा भी आप ग्रेटिट्यूड फील नहीं कर रहे हैं, इतना देर से सिर दबा रहा हूँ एक हाथ से, लेकिन दूसरे हाथ से थोड़े भी चला रहे हैं ना, समझे बात को। हाँ, उसी तरह से अगर कोई कृष्ण की सेवा करता है और वैष्णव को मारता है तो इसका मतलब कृष्ण का सिर दबा रहा है लेकिन पैर को हथौड़े से तोड़ रहा है, ऐसे लगता है भगवान को। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ओके। इसी प्रकार से सभी भक्तगण कृष्ण के शरीर हैं, जो परम महाधीर है वही से समझता है। वैष्णव क्या है, कृष्ण के शरीर है, उनको कुछ चोट पहुँचाना तो कृष्ण के शरीर को अंगों को चोट पहुँचा रहे हैं। अभेद दृष्टि से कृष्ण और वैष्णव का भजन करते हुए जो कृष्ण चरणों की सेवा करते हैं, अभेद कृष्ण दृष्टि से, कृष्ण और वैष्णव में क्या है, अभेद नहीं,
इसलिए वैष्णवों की सेवा भी करना चाहिए। इन सब पुण्य कथाओं का जो श्रवण करता है, जो कीर्तन करता है, उससे सब कभी वैष्णव अपराध नहीं होता है। ये कथा जो सुनेगा उसको भी वैष्णव अपराध नहीं करेगा वो उसके हैं। एक हाथ से भगवान की सेवा करके दूसरे हाथ के द्वारा भगवान को कष्ट देने से किसी का भी मंगल नहीं होता। भगवान के भक्तगण कृष्ण के श्री विग्रह के अंग प्रत्यंग हैं, अतः वे सब कभी भी भगवत सेवा विमुख नहीं होते। सर्वभूतों में जिनको भक्तों का दर्शन होता है, उस प्रकार के व्यक्ति की अभेद दृष्टि श्री हरिगुरु वैष्णव के अभेद दर्शन में ही नियुक्त होती है। संसार से मुक्ति प्राप्त करने की संभावना केवल ऐसे व्यक्तियों में ही है। इस प्रकार से श्री गौर सुंदर ने शांतिपुर में अद्वैत के मंदिर में परम आनंद के साथ विराजित थे। दैव योग से इसी बीच माधवपुरी की आराधना की पुण्यतिथि वहां आकर उपस्थित हुई। माधवेंद्रपुरी की आराधना की तिथि आ गई, आविर्भाव दिवस होगा जहां तक मुझे लगता है। किसका? माधवेंद्रपुरी का। माधवेंद्रपुरी और अद्वैत में यद्यपि भेद नहीं है, फिर भी आचार्य गोसाई उनके शिष्य हैं। किसके? अद्वैत आचार्य किसके शिष्य हैं? माधवेंद्रपुरी के। करेक्ट। यह तथ्य सत्य है, सत्य है, सत्य है कि माधवेंद्रपुरी के शरीर में श्री गौर सुंदर निरंतर विहार करते रहते हैं। माधवेंद्रपुरी की विष्णु भक्ति अकथनीय है। कृष्ण की कृपा से उनमें सर्वकाल पूर्ण शक्ति विद्यमान है। अद्वैत जिस प्रकार से माधवेंद्रपुरी के शिष्य बने, उस मंगल आख्यान को एकाग्रचित से सुनिए। अद्वैत आचार्य ने दीक्षा लिया किससे? माधवेंद्रपुरी से। तो कैसे लिए, शिष्य कैसे बने, उसकी कथा सुनाई जाएगी आज। अद्वैत आचार्य कैसे दीक्षा लिए माधवेंद्रपुरी, उसकी कथा सुनना चाहते हैं आप लोग? आप लोग ओके, सुनिए ध्यान से। जिस समय चैतन्य का अवतार नहीं हुआ था, कब की लीला है? हाँ, उनसे पहले, तब तक महाप्रभु अवतार नहीं हुआ था। उस समय सारा संसार विष्णु भक्ति रहित था। विष्णु भक्ति रहित मतलब कोई भक्ति नहीं करता था, विष्णु भक्ति। उस समय में भी चैतन्य की कृपा से माधवेंद्रपुरी निरंतर प्रेम के सुख सागर में बहते रहते थे। कोई भक्ति नहीं करता था, लेकिन एक व्यक्ति थे माधवेंद्रपुरी जो हमेशा प्रेम, कृष्ण प्रेम भक्ति में डूबे रहते थे। एक व्यक्ति थे ऐसे। उनके शरीर में निर अवधि रोमहर्ष, अश्रु, कल्प, कंप, हुंकार, गर्जन, महाहास्य, स्तंभ, घर्म आदि भाव दिखाई देते रहते थे। निरवधि गोविंद के ध्यान में रहने के कारण उनको बाहरी सुदबुद्ध नहीं रहती थी। किन के बारे में बात चल रहे हैं? कब 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 की घटना है ये? हाँ करेक्ट। 24 घंटे गोविंद के ध्यान में रहने के कारण उनको बाहरी शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी। वे स्वयं नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। मार्ग पर चलते समय भी अपने आप परम आनंद के साथ हरिध्वनि पूर्वक नृत्य करते रहते थे। रास्ते में चलते समय नाचते रहते। कौन? माधवेंद्रपुरी। कभी कभी आनंद में ऐसे मूर्छित हो जाते थे कि 2-3 प्रहर तक भी देह में बाह्य ज्ञान नहीं रहता था। 2-3 प्रहर मतलब 8-9 आवर्स बेहोश हो जाते थे। 8-9 घंटे बेहोश रहते थे। कभी कभी विरह में ऐसा क्रंदन किया करते थे, लगता था जैसे गंगा की धारा बह रही है आंखों से। यह सब अद्भुत कथन जैसा है, कभी खिलखिलाकर बहुत हंसते थे, क्षण में परम आनंद रस में दिगंबर हो जाया करते थे। इस प्रकार कृष्ण सुख से माधवेंद्रपुरी सुखी थे, किंतु भक्ति रहित लोगों को देखकर बड़े दुख का अनुभव किया करते थे। लोगों के हित के बारे में चिंतन करते करते नित्य प्रति यही सोचते रहते थे कि कृष्ण प्रकट हो जाएं, कृष्ण प्रकट हो जाएं, कृष्ण प्रकट हो जाएं। कौन? माधवेंद्रपुरी। उस समय कोई नहीं जानता था कि कृष्ण यात्रा और रात दिन कृष्ण संकीर्तन का मतलब क्या होता है। कृष्ण की यात्रा और कृष्ण का संकीर्तन, इसके बारे में उस समय लोगों को, उस समय तक कोई ज्ञान नहीं था।
कृष्ण संकीर्तन का मतलब क्या होता है ये भी नहीं पता था। धर्म कर्म के बारे में लोग इतना ही जानते थे कि मंगल चंडी के गीतों में जागृत रहना है। मंगल चंडी, उसके लिए प्रीचिंग करने की जरूरत नहीं ज़्यादा। सब लोग केवल षष्ठी विषहरि को ही देवता मानते थे और महादम्भ का प्रकाशन करते हुए उनकी सेवा किया करते थे, षष्ठी देवी है ना। कोई कोई मन में धन और वंश की वृद्धि हो ऐसी कामना करके मदिरा एवं मांस के साथ दानों का पूजन किया करता था। जोगीपाल, भोगीपाल और महीपाल के गीतों को सुनने में सबको आनंद आता था। जो बहुत ही बड़ा सुकृतिवान होता था वह स्नान के समय गोविंद पुंडरीकाक्ष नाम का उच्चारण किया करता था। वैष्णव किसे कहते हैं, संकीर्तन क्या है, कृष्ण का नित्य नित्य कृष्ण का नृत्य किस लिए, क्रंदन ही क्यों, इन सब के बारे में विष्णु को माया के वश में होने के कारण लोग कुछ भी नहीं जानते थे। सारा संसार महान तमोगुण में आबद्ध था। लोगों को देखकर श्री माधवपुरी को दुख होता था और वे सोचते रहते थे कि ऐसा एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता जिसके तिलार्ध संभाषण किया जा सके, मतलब एक क्षण से भी, आधे क्षण के लिए भी किसी से बात करने का मन नहीं करता था क्योंकि लोग इतने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए थे। यदि किसी सन्यासी के साथ संभाषण करते तो वह अपने आप को नारायण मात्र मानता था। इस दुख के कारण सन्यासी के साथ ही वार्तालाप नहीं करते थे। ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ कृष्ण भक्ति चर्चा सुनाई देती हो। ज्ञानी, योगी, तपस्वी और सन्यासी आदि नामों से जो सब विख्यात थे उनमें से किसी के भी मुख से दास्य भाव की महिमा का प्रचार नहीं होता था। जितने सब अध्यापक थे वे केवल तर्क का ही व्याख्यान करते थे, वे सब कृष्ण के विग्रह को नहीं मानते थे। तत्व केवल ज्ञान, कृष्ण विग्रह नहीं मानते थे, ये स्थिति थी उस समय की। श्री माधवेंद्रपुरी यह सब देखकर और सुनकर दुखित थे एवं मन ही मन वनवास का विचार किया करते थे। तो माधवेंद्रपुरी दुखी क्यों थे, करेक्ट। तो माधवेंद्रपुरी से कैसे दीक्षा हुआ, किसका, अद्वैताचार्य जी का, उसकी चर्चा। तो माधवेंद्रपुरी किस बात को लेकर दुखी थे, हाँ, और नारायण कहते थे एक दूसरे को। श्री माधवेंद्रपुरी यह सब देखकर और सुनकर दुखित थे एवं मन ही मन वनवास का विचार किया करते थे। वैष्णव को देखने के लिए संसारी लोगों में क्या घूमना फिरना, जगत में कहीं भी वैष्णव नाम सुनाई नहीं देता, मतलब वैष्णव थे ही नहीं, ज़्यादातर मायावादी थे माधवेंद्रपुरी जी के समय में। अतः इन सब लोगों से दूर मैं वन में चला जाऊं जहां लोग दिखाई नहीं देंगे। इस कारण इन सबों से वन अच्छा है, वन में अवैष्णव के साथ वार्तालाप नहीं होगा। इस प्रकार मन में दुख से भावना भावित होकर चिंतन कर ही रहे थे कि ईश्वर की इच्छा से अद्वैत के साथ भेंट हो गई। सारे संसार को विष्णु भक्ति रहित देखकर अद्वैत आचार्य को भी अपार दुख का अनुभव होता था, फिर भी कृष्ण की कृपा से अद्वैत सिंह दृढ़तापूर्वक निरंतर विष्णु भक्ति का बखान करते थे। निरंतर वे गीता और भागवत पढ़ाते थे और ग्रंथों के मत अनुसार भक्ति की ही व्याख्या किया करते थे। ऐसे समय में श्री माधवेंद्र जी महाशय आकर अद्वैत के घर में उदित हुए। तो दोनों का एक ही दुख था, क्या, हाँ, वैष्णवों की कमी है संसार।
तो आज वैष्णव की कमी है संसार में, है कि नहीं? अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो बहुत कम वैष्णव है। ऐसे समय में उनको वैष्णव लक्षणों से युक्त देखकर अद्वैत उसी समय दंडवत होकर उनके चरणों में गिर पड़े। तो कौन आए? अद्वैत आचार्य के घर पे पहुंचे माधवेंद्रपुरी जी, उनको देखकर अद्वैत आचार्य दंडवत होकर चरणों में गिर पड़े। माधवेंद्रपुरी जी ने भी अद्वैत को गोद में लेकर उनका अंग प्रेम आनंद के जल से सिंचित कर दिया। दोनों परस्पर कृष्ण कथा के रस में ऐसे डूब गए कि उन्हें अपने शरीर तक का स्मरण ना रहा। तो कृष्ण कथा करने लगे दो भक्त जब मिलते हैं, ऐसे महान संत की बात कर रहा हूँ, तो क्या करते हैं? कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन, है ना? माधवेंद्रपुरी का प्रेम अनिर्वचनीय था। मेघ के दर्शन से वे उसी क्षण मूर्छित हो जाते थे। अगर मेघ को देखते थे, बादल को, माधवेंद्रपुरी जी, तो क्या हो जाते थे? उसी क्षण मूर्छित हो जाते थे। कृष्ण नाम सुनने मात्र से वे हुंकार करने लगे। उनमें एक क्षण में हजारों कृष्ण संबंधी स्वेद कंप आदि विकार उत्पन्न हो गए। एक क्षण में हजारों विकार भाव प्रकट हुए, हजार एक सेकंड में। उनमें विष्णु भक्ति का उदय देखकर अद्वैत महाशय बड़े सुखी हुए। उनके पास श्री अद्वैत आचार्य ने उपदेश ग्रहण किया। इस प्रकार श्री माधवेंद्रपुरी के साथ अद्वैत आचार्य का मिलन हुआ। माधवेंद्रपुरी की आराधना तिथि पर अद्वैत ने हर्ष के साथ सब कुछ समर्पित कर दिया। देव से वह पुण्य तिथि आकर उपस्थित हुई। अद्वैत आचार्य आनंद के साथ आयोजन करने लगे। पुण्य तिथि, जन्मदिन, पूजा का दिन आ गया, तो अद्वैत आचार्य तैयारी करने लगे। किसकी? पूजा की। श्री गौर सुंदर सभी पार्षद वर्ग के साथ उस पुण्य तिथि पर बड़े सुखी हुए। आचार्य गोसाई ने उस तिथि पूजन के लिए जितना आयोजन किया उसका कोई अंत नहीं था। नाना दिशाओं से भेंट चढ़ावा आने लगा। यह जानना संभव नहीं था कि कौन किस दिशा से क्या ला रहा है। माधवेंद्रपुरी के प्रति सबकी प्रीति वर्तमान थी। सभी ने यथायोग्य सेवा भावों को ग्रहण किया। आई ने सब रंधन कार्यों की जिम्मेदारी ली। सभी वैष्णव गृहिणीगण आई की सहायता करने लगा। अपार आनंद के साथ नित्यानंद प्रभुवर ने वैष्णव पूजन का अधिकार लिया। कोई कहने लगा सारा चंदन मैं घिसूंगा, कोई कहने लगा माला मैं बनाऊंगा, कोई बोला नहीं जल लाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं स्पॉन्सर करूंगा, कोई बोला मैं स्थान परिष्कार करूंगा, सफाई, कोई कहने लगा मैं सही वैष्णवों का चरण धोऊंगा, कोई बोला कोई पताका बांध रहा था, कोई चंदुआ तान रहा था, कोई भंडार से द्रव्य दे रहा था तो कोई ला रहा था, कुछ संकीर्तन करने लगे तो कुछ आनंद के साथ नृत्य करने लगे, फिर कुछ और कीर्तन में हरि बोल रहे थे, कुछ और शंख एवं घंटा बजा रहे थे, कुछ लोग तिथि पूजन का कार्य कर रहे थे तो कोई तिथि पूजन के आचार्य बन गए थे। इस प्रकार से परानंद रस में सभी भक्तगण अपना अपना मनचाहा कार्य कर रहे थे, है ना? क्या किसी की तैयारी चल रही है? अद्वैत माधवेंद्रपुरी के व्यास पूजा सेलिब्रेशन। खाओ खाओ पियो लो और दो और हरिध्वनि, इसके अतिरिक्त चारों ओर से कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था। यही चार शब्द सुनाई दे रहे, खाओ पियो लो दो और कितना पैसा चाहिए। संकीर्तन के साथ घंट घंटा मृदंग मंजीरा और करताल के तुमुल ध्वनि हो रही थी। परानंद के में किसी को भी बिहारी शुद्धबुद्ध का बाहरी शुद्धबुद्ध का ज्ञान नहीं था। अद्वैत भवन श्री वैकुंठ धाम बन गया। श्री गौरचंद्र स्वयं हर्ष और परम संतोष के साथ सामग्री समूह का आयोजन देखते हुए घूमने लगे। प्रभु ने दो चार घरों में चावल देखा, पर्वत प्रमाण श्रेणीबद्ध काष्ठ भी देखे, पांच घरों में रंधन के बर्तन
घड़ों को देखा और दो चार घरों में छिलका मुक्त मूंग की दाल देखी। प्रभु ने 5-7 घरों में नानाविध वस्त्र और 10-12 घरों में खुली पतलों को देखा। 2-4 घरों में प्रभु ने चिड़वा और हजारों हजारों केले की कांदियों को देखा। न जाने कहाँ से अनगिनत नारियल, सुपारी और पान आ गए थे। पटल, बैंगन, केला का गुद्दा, आलू, साग और मांस कितने घर भरे पड़े हैं थे, उसका कोई हिसाब नहीं था। दही और दूध से भरे हजारों हजारों घड़ों को एवं साथ में खीर, गन्ना और अंकुर सहित मूंग को देखा। प्रभु ने जितने तेल, लवण, नमक और घृत से भरे हुए कलशों को देखा, वे सब अनंत थे। मैं कितना लिख सकता हूँ। अति अमानुषी सब संभार को देखकर प्रभु ने हृदय में चमत्कार जैसा अनुभव किया। प्रभु ने कहा, यह संपत्ति मनुष्य की नहीं है। मेरा मन कहता है कि आचार्य महेश हैं। क्या बोले? आचार्य महेश हैं। मनुष्य के पास इतनी संपत्ति का होना संभव है क्या? उस सब संपत्ति का केवल महादेव के पास होना ही संभव है। समझ गया, आचार्य महेश के अवतार हैं। हंसकर प्रभु बारंबार इस प्रकार कहने लगे। आप समझे बात को? इतना मतलब मटेरियल आ गया, काइंड डोनेशन, कि भंडार पूरा भर गया था। उन गौरचंद्र के वचनों में जिसका अनादर अनावस्था, उसके लिए श्री अद्वैत अग्नि के अवतार स्वरूप हैं। यद्यपि अद्वैत कोटि चंद्र सुशीतल हैं, तथापि चैतन्य विमुख व्यक्ति के लिए वे काल अग्नि के समान हैं। जो एक बार भी शिव नाम का उच्चारण करता है, वह भी किसी प्रसंग में उनके तत्व को न जानकर, वह उसी क्षण सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है। शिव नाम बोलने से, बोलिए शिव। वेदों में, शास्त्रों में, भागवत में इसी तत्व का वर्णन होता है। ऐसे शिव नाम को सुनकर जिन्हें दुख होता है, वे जन अमंगल के सागर में बहते रहते हैं। शिव का नाम सुनकर दुख नहीं करना चाहिए। लेकिन शिव तत्व को समझते हुए शिव का नाम लेना चाहिए, भगवान के रूप में नहीं है। शिव तत्व क्या है? विष्णु नाम यथा शंभु। जिनका शिव यह दो अक्षर वाला नाम केवल कथा प्रसंग में भी वाक इंद्रियों के द्वारा एक बार मात्र उच्चारित होने पर मनुष्यों के सर्वविध पापों को शीघ्र विनष्ट कर देता है। जिनका शासन अलंघनीय है एवं जिनका यश परम पवित्र है, आप उन्हीं मंगल स्वरूप शिव से द्वेष कर रहे हैं। अहो, आप साक्षात अमंगल स्वरूप हैं। कृष्णचंद्र स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं, जो शिव का पूजन नहीं करता, वह मेरी पूजा क्यों करता है? जो मेरा प्रिय भक्त शिव की यथाविधि पूजा नहीं करता, वह वैष्णव द्वेषी पाप आत्मा किस प्रकार से मुझ में भक्ति प्राप्त करेगा? समझे क्या बोले? जी, जो मेरे प्रिय भक्त शिव की यथाविधि पूजा नहीं करता है, वह वैष्णव द्वेषी पापी आत्मा किस प्रकार से मुझ में भक्ति प्राप्त करेगा? शिव जी की आज्ञा अगर उल्लंघन करेगा तो। अतः सबसे पहले श्री कृष्ण पूजा करके फिर प्रीति के साथ शिव पूजन पूर्वक पश्चात सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। करेंगे सारे देवताओं की पूजा? पॉसिबल नहीं है ना। 33 करोड़ देवता कैसे करेंगे? 33 करोड़ इन वन, 2 इन 1, 3 इन 1, 4 इन 1 एंड इन्फिनिटी इन वन। सबसे पहले सर्व कारण कारण स्वयं भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके देव श्रेष्ठ महेश्वर की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात अन्य अन्य जो सब देवता परम भक्ति के साथ, उन सब की पूजा करना कर्तव्य है। साधु जन अद्वैत को वही शिव मानते हैं, वह भी श्री चैतन्य चंद्र को इंगित के कारण।
इससे अवध गण महाविवाद में फंस जाते हैं। अद्वैत की माया को बिना समझे वे सब भली भांति मरते हैं। प्रभु ने जितने नए नए वस्त्र देखे वे सब अनंत थे, मैं कितना लिख सकता हूँ। संसार देखकर प्रभु महान हर्षित मन से अनुक्षण आचार्य की प्रशंसा कर रहे थे। एक एक करके सभी भारों को देखकर प्रभु फिर से संकीर्तन के स्थान पर आ गए। प्रभु के संकीर्तन के स्थान पर आते ही सभी भक्तगणों को परम आनंद की प्राप्ति हुई। न जाने कौन किस दिशा में नृत्य कर रहा था, कीर्तन कर रहा था, बाजा बजा रहा था, न जाने कौन किस दिशा की ओर महा आनंद से धावित हो रहा था। सभी जय जयकार और महान हरि ध्वनि कर रहे थे। हरी 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 बोलो बोलो हरी बोलो के अतिरिक्त और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सभी वैष्णवों का श्री अंग चंदन से भूषित था। सभी का सुंदर वक्ष मालाओं से पूर्णित था। प्रधान थे। प्रभु की उपस्थिति में सभी नृत्य गीत कर रहे थे। महान आनंद के साथ श्री हरि संकीर्तन गूंज उठा, जिस संकीर्तन की ध्वनि से अनंत भुवन पवित्र हो जाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन होने लगा। महामल्ल प्रेम सुखमय नित्यानंद ने बाल्य भाव में अतिशय नृत्य किया। अति प्रेम विवल होकर आचार्य गोसाई ने जितना नृत्य किया उसका कोई अंत नहीं है। हरिदास ठाकुर अनेक नृत्य किए, अति उल्लास पाकर सभी नृत्य करने लगे। सबके अंत में महाप्रभु श्री गौर सुंदर ने अति अशेष विशेष प्रकार से नृत्य किया। महाप्रभु भी आ गए थे, प्रकट हुए है ना। प्रभु ने सभी पार्षद वर्ग से पहले नृत्य करवाकर अंत में सबको साथ लेकर स्वयं नृत्य किया। मंडली बनाकर सभी भक्तगण नृत्य कर रहे थे। बीच में महाप्रभु श्री सचिनंदन नृत्य कर रहे थे। इस प्रकार से सबको साथ लेकर दिन भर नृत्य और कीर्तन करके महाप्रभु ने कीर्तन का समापन किया। फिर अंत में अद्वैताचार्य महाप्रभु से आज्ञा लेकर भोजन की सब तैयारियां करने लगे। चारों ओर भक्तगणों से घिरे हुए महाप्रभु के बीच में भोजन करने के लिए बैठे। चारों ओर भक्तगण तारा समूह की भांति और बीच में प्रभु उदय कोटि चंद्र जैसी शोभा पा रहा था। माधुरंद की आराधना तिथि पर आई का बनाया हुआ बहुत विध विदिव्य अन्न पिष्टक और व्यंजन परिवेशित किया गया। माधवेंद्रपुरी की कथा कहते कहते सभी भक्तगणों को लेकर प्रभु भोजन करने लगे। प्रभु ने कहा, माधवेंद्र की आराधना तिथि पर महाप्रसाद का सम्मान करने से गोविंद में भक्ति होती है। इस प्रकार से आनंद के साथ भोजन समापन पूर्वक आचमन के पश्चात प्रभु ने बैठने का आसन ग्रहण किया। फिर अद्वैत ने दिव्य सुगंधि युक्त दिव्य चंदन माला लाकर प्रभु के सामने रख दी। फिर प्रभु ने पहले नित्यानंद स्वरूप को महान अनुराग के साथ चंदन माला प्रदान की। पश्चात प्रभु ने सभी वैष्णवों को एक एक करके अपने श्री हस्तों से चंदन मालाएं दी। श्री हस्तों का प्रसाद पाकर सभी भगवत भक्तगणों का मन परम आनंदित हो उठा। ऊंचे स्वर में सभी हरिध्वनि करने लगे। उस आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकता। स्वयं वैकुंठनाथ जिनके घर में विराजमान थे उन अद्वैत के आनंद का अंत नहीं था। प्रभु ने इस सब
जितने आनंद का प्रकाशन किया मनुष्य की शक्ति इसका कितना वर्णन कर सकती है। एक दिन का जो चैतन्य विहार है उसका वर्णन कोई करोड़ों सालों में भी नहीं कर सकता। पक्षियों को जैसे आकाश का अंत नहीं मिलता है, जितनी शक्ति है उनमें उतनी दूर ही वे उड़ सकते हैं। उसी प्रकार से चैतन्य की अस्कांत नहीं है, उनके द्वारा दी गई शक्ति के अनुसार ही उनको महिमा का कीर्तन करने में सक्षम हुआ हूँ। काष्ठ निर्मित पुतली को जैसे कुहक नचाता है, उसी प्रकार से गौरचंद्र मुझे बुलवा रहे हैं। मैं इन सब कथाओं का अनुक्रम नहीं जानता हूँ, जिस किसी प्रकार से चैतन्य की यश का बखान कर रहा हूँ। सभी वैष्णवों के चरणों में मैं नमस्कार निवेदन करता हूँ, इसमें मुझसे कोई अपराध ना हो जाए। इन सब पुण्य कथाओं का जो श्रवण करता है उसे अवश्य ही कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद जुगे गान, वृंदावन दास तछु पद जुगे गान, तो इस प्रकार से अद्वैताचार्य के घर पर माधवेंद्रपुरी जी की व्यास पूजा उत्सव आविर्भाव दिवस मनाया गया। तो ये अध्याय चौथा अध्याय अंत्य खंड का यहीं पे समाप्त होता है, और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो 2 मिनट कीर्तन होगा तब तक आप लोग प्रश्न भेजिए। तो आज काफ़ी सारी लीलाएँ चर्चा हुई महाप्रभु, हम लोग अद्वैताचार्य के घर से ही शुरुआत किए थे सची माता से, और फिर आज नाना प्रकार की लीलाओं के उपरांत अब कल चर्चा किया जाएगा 5वां अध्याय। हरे कृष्ण।